अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसमें कोंपलें फूटने लगती और पत्तियां निकलने लगती हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी प्रकार तुम जब भी इन सभी घटनाओं को देखो तो समझ लेना कि वो पास हैं, परंतु द्वार पर ही हैं। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। इन घटनाओं के पूरे हुए बिना इस युग का अंत नहीं होगा। आकाश तथा पृथ्वी का मिट जाना संभव है, किंतु मेरे शब्द का नहीं। वास्तव में उस दिन तथा उस क्षण के विषय में किसी को मालूम नहीं है। स्वर्ग में ना स्वर्ग दूतों को और ना ही पुत्र को, ये मात्र पिता को ही मालूम है। अब इसलिए कि तुम्हें उस विशेष क्षण के घटित होने के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, सावधान रहो, सतर्कता बनाए रखो। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे उस व्यक्ति की जो अपनी सारी गृहस्थी अपने दासों को सौंप कर दूर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने हर एक दास को भिन्न भिन्न जिम्मेदारी सौंपी और द्वारपाल को भी सावधान रहने की आज्ञा दी। इसी प्रकार तुम भी सावधान रहो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि घर का स्वामी लौट कर कब आएगा। शाम को, आधी रात या भोर को मुर्गे की बांग के समय, ऐसा ना हो कि उसका आना अचानक हो और तुम गहरी नींद में पाए जाओ। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो सभी से संबंधित है। सावधान रहो।